हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं परमेश्वर पर फिजिक्स की क्लासेस के अंदर मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ लेसन नंबर फर्स्ट के जो आंकिक प्रश्न है उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेसन नंबर फर्स्ट के जो आंकिक प्रश्न है वो हम उन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो या तो मैंने वीडियो में करवाया नहीं है और वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आसान है, एकदम आसान मान रखने पर उत्तर आ रहा है उसका, तो उसके बारे में मैं आपको हिंट दे दूंगा और उसको देख करके आप समझ के कर सकते हो। और कुछ बच्चों के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डाउट है, दो तीन बच्चों ने कहा है कि सर हमें न्यूमेरिकल नंबर जो एग्जांपल है बुक के वो भी एक दो प्रॉब्लम है बच्चों की, वो भी करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों को जिन्होंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की और सॉल्व करने पर हमें कमेंट लेके भेजा कि सर हमें एक क्वेश्चन करवाओ। इसका मतलब वो अपने समय का उपयोग कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी लेक्चर सीरीज को और आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा आंकिक प्रश्न का फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो कह रहा है वायु में दो आवेश दे रखे हैं, एक दूसरे से किस दे रखे हैं 30 सेंटीमीटर दूरी पर दे रखे। बेटा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा मैं वही करवाऊंगा, ठीक है, वरना मैं आपको हिंट दे दूंगा कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, तो गिवन में हमें आर दे रखा है 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ठीक है, दो आवेश दे रखे हैं, पहले पर आवेश दे रखा है 2×10⁻⁷ न्यूटन सॉरी कूलम, और दूसरे आवेश पर जो चार्ज दे रखा है वो कितना दे रखा है 3×10⁻⁷ कूलम चार्ज दे रखा है। तो उनके मध्य विद्युत बल कितना होगा टू फाइंड आउट हमें करना है, टू फाइंड आउट। तो उनके मध्य विद्युत बल हमें F हमें क्या करना है निकालना। प्रिय विद्यार्थियों ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर दो, क्योंकि कूलम का नियम आपने बेहद अच्छे तरीके से पढ़ा है हमारे आगे पिछली जो लेक्चर सीरीज है उसके अंदर दिखा होगा आपने। मैं आशा करता हूँ आप कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले मान रखना है जहां पर जो के का मान है वो लगभग सारे बच्चे जानते होंगे 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कितना होता है कूलम स्क्वायर होता है। Q1 Q2 आपको चार्ज दे रखे, बीच की डिस्टेंस ही है, आप मान रख के हल कर लो उसको। ठीक है, अगला जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ, वो क्वेश्चन शानदार है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनना डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दो समान धातु के गोले हैं, गिवन में क्या देखा है गिवन में दो समान धातु के गोले हैं, समान धातु के गोले, ठीक है, उन पे चार्ज तो दे रखा है, कितना दे रखा है पहले पर दे रखा है प्लस का 10 माइक्रोकूलम, दूसरे पर दे रखा है माइनस का 20 माइक्रोकूलम आवेश दे रखा है या आवेशित किया जाता है। यदि इनको संपर्क में लाकर उन्हें उतनी दूरी पर रख दिया जाए तो दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात निकालना है। सपोज करो पहले हमने क्या दिया, पहले तो Q1 चार्ज दिए रहा और दूसरा Q2 चार्ज ये रहा, धातु के गोले बनाने तो ये मैंने धातु के गोले बना लिए, सपोज करो Q1 चार्ज युक्त गोला है और दूसरा कौन सा है Q2 चार्ज युक्त गोला है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है r। फर्स्ट केस के अंदर हम सीधा इसका बल निकालेंगे, तो केस फर्स्ट में हमें क्या निकालना है, इसकी बीच की दूरी हमने r मानी है, तो केस फर्स्ट के अंदर के Q1 Q2 ओपन में कितना रहेगा r स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले से बल निकल जाएगा। इस फॉर्मूले से बल निकालने के बाद सेकेंड केस के अंदर हम चलेंगे, तो इन दोनों को पहले स्पर्श करवाना है, ये लो स्पर्श करवा दिया। स्पर्श करवाने पर बेटा इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, आदान प्रदान होगा, और इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान तब तक होता रहेगा जब तक दोनों आवेशों पर क्या आ जाए, आवेश तो समान नहीं आ जाए या दोनों का विभवांतर बराबर ना हो जाए। तो बेटा देखो पहले जब इनको जोड़ेंगे तो निकाल में कुल आवेश कितना होगा Q1 + Q2, तो Q1 + Q2 कितना है 10 + 10 माइक्रोकूलम माइनस का 20 माइक्रोकूलम, जोड़ने पर कितना हो जाएगा Q1 + Q2 जो होगा वो कितना हो जाएगा माइनस का 10 माइक्रोकूलम। ये तो इस निकाय का चार्ज, इस निकाय का चार्ज ये तो हमने बनाया अभी, इस निकाय को आपस में क्या करना है सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने पर आवेश के वितरण दोनों समान गोल है तो समान गोले पर आधा इसमें चला जाएगा आधा इसमें चला जाएगा, तो इसका जो हाफ कर ले तो Q1 + Q2/2 वो कितना हो जाएगा माइनस का 5 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे जो Q1 माने इसको डैश मान ले तो कितना होगा माइनस का 5 माइक्रो कूलम, और यहाँ पे जो होगा बेटा Q2 मान ले तो कितना हो जाएगा माइनस का 5 माइक्रो कूलम चार्ज हो जाएगा। वापस इनकी डिस्टेंस जो होती है r। तो सेकंड केस के अंदर जो बल निकाले तो सेकंड केस में बल कितना होगा डियर स्टूडेंट, बल होगा हमारे पास F बराबर के Q1 Q2, इसको F डैश दे देते हैं और R डैश, दोनों का अनुपात निकालना है। मैं F डैश अपॉन में F निकाल लेता हूं, तो F डैश अपॉन में F कितना आएगा
या एफ अपॉन एफ डैश निकाल लेते, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में अनुपात चेंज हो सकता है, बाकी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके अंदर। तो के क्यू क्यू वन क्यू टू अपॉन में कितना देगा आर स्क्वायर, और दूसरे में के क्यू वन डैश क्यू टू डैश अपॉन में कितना देगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से इसके कर देगा, तो इधर कितना आएगा क्यू वन मल्टीप्लाई क्यू टू, नीचे आ जाएगा क्यू वन डैश मल्टीप्लाई क्यू टू डैश। सोल्व कर लेते हैं विद्यार्थी इनको, तो ऊपर को सोल्व करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, क्यू वन डैश वो दे रखा है 10, क्यू टू डैश वो दे रखा है 20, नीचे कितना दे रखा है बेटा 5 5 दे रखे, तो 5 इंटू 5 तो 25, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 25। सोल्व करने पर कितना आएगा बेटा 8 रेशियो फर्स्ट, तो एफ अपॉन में एफ डैश जो आएगा वो कितना आएगा 8 अनुपात 1 का आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा, तीसरा क्वेश्चन भी मैंने शायद करवाया होगा ऐसा क्वेश्चन, तो क्या कह रहा है, ए भुजा वाले संभव त्रिभुज के शीर्ष पर दे रखे शीर्ष दे रखे ए व बी पर क्यों आवेश रखा गया, तो क्यों आवेश रखा गया जीवन में दे रखा, जो डायग्राम भी इसमें दे रखा है बेटा, जो डायग्राम बना लेते हैं इसमें, ये संभव त्रिभुज इसके शीर्ष ए व बी पर क्यों आवेश रखा गया, ये पहला आवेश है, ये क्यू है और ये भी कितना है क्यू आवेश है, ए भुजा वाला संभव त्रिभुज है, ठीक है। तो ये कह रहा है बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा वो हमें निकालना है, तो बिंदु सी हमारे पास बेटा ये है, बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, तो इसके कारण मैंने कितना मान लिया ये E1 और ये हमारे पास कौन सा बेटा E2, E2। तो देखो बेटा A के कारण तीव्रता निकाल लेते हैं, तो टू फाइंड आउट में क्या निकालना है, टू फाइंड आउट में EC का मान निकालना है, इसी का मान निकालना है, ठीक है। तो इसी का जो मान है वो किसके बराबर है, इसी का जो मान है इसी वेक्टर बराबर होगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, या EA और B दे दो बेटा इसको, EA वेक्टर और EB वेक्टर, ठीक है, इतने दे दी फर्स्ट। अब देखो बेटा ये संभव त्रिभुज कितना 60, तो ये भी कितना देगा 60, पहले ही A के कारण दे देते हैं, A के कारण तीव्रता, तो A के कारण तीव्रता कितनी होगी बेटा EA वेक्टर जो होगा हमारे पास EA का तो मॉड ले लेते हैं वेक्टर में, वो कितना आएगा के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। इसी प्रकार बेटा B के कारण तीव्रता देख लेते हैं, कारण तीव्रता वो देखा जाए बेटा EB के कारण तीव्रता देखी जाए तो वो कितना होगा के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। तो बेटा इनका जो परिमाण है वो समान है और दिशा में क्या है विपरीत, तो घटकों में तोड़ के भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, घटकों में तोड़ के आप करना, मैं आशा करता हूं आप करोगे और उसका आंसर भी देखना क्या सेम आता नहीं आता। मैं वेक्टर एडिशन सीधा कर देता हूं, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ई नेट जो आएगा ई नेट एट पॉइंट सी पर वो आएगा रूट में EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA EB कॉस 60, और कॉस 60 का मान कितना होता है बेटा, कॉस 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, इन दोनों का परिमाण बराबर है, तो EA का मोड जो है वो किसके बराबर है EB के मोड के बराबर है, और उसको मैंने कितना मान लिया वर्ग के लिए E मान लिया, तो कितना देगा ई नेट बराबर, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं बेटा ई का स्क्वायर 2E² बटे में बेटा 2 कॉस 60 मान कट गया, तो कितना आएगा रूट 3E, और E का मान कितना है ई नेट देखा जाए तो कितना आएगा रूट 3 के क्यू अपॉन में कितना देगा आर स्क्वायर। ये हमारे पास परिणामी तीव्रता आ चुकी है। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 और 5 न्यूमेरिकल है जो मैंने आपको करवा रखे, 4 और 5 यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, दोनों न्यूमेरिकल को देखो आप ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा दोनों न्यूमेरिकल मैंने करवा रखे। न्यूमेरिकल नंबर तो 6 है वो करते हैं, 7 भी मैंने करवा रखा है, ठीक है। तो चलता है 6 नंबर न्यूमेरिकल नंबर, जो 6 प्रॉब्लम है थोड़ी लेंथी होगी बेटा क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, ठीक है। इसमें कह रहा है 4 आवेश दे रखे हैं 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के कोनों पर रखेंगे, और केंद्र पर हमें क्या निकाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा याद करनी है, तो कैपिटल क्यू का मान दे रखा है। ये उनमें क्या दे रखा है भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर बोले तो 0.2 मीटर, कैपिटल क्यू का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 0.02 माइक्रोकूलम। एक बार के लिए कैपिटल क्यू रखेंगे, बता दूंगा कैपिटल क्यू क्या है, टू फाइंड आउट ई का परिमाण
दिशा कहाँ वर्ग के केंद्र पर, वर्ग के केंद्र पर। ठीक है, देखो वर्ग का केंद्र पहले वर्ग बना लेते बेटा, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा डायग्राम ताकि क्वेश्चन वेक्टर को जो समझ सके प्रॉब्लम को वो आसानी समझ सके। हम यहाँ पे दे रखा है ए, यहाँ पे दे रखा है बी, ये दे रखा है सी, ये दे रखा है डी, इधर रखा है माइनस का 2q, इधर रखा गया माइनस का 2q, इधर माइनस का q, इधर दे रखा है प्लस का q, इसको मिला ही लेते सीधा। ये हमारे पास सेंटर दे रखा है, ठीक है, और भुजा की लंबाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर, मतलब 0.02 मीटर। देखो बेटा यहाँ पे ऊपर वाले दोनों माइनस के, सॉरी ये प्लस का है, और ये जो है प्लस का ये माइनस का, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसके कारण जो तीव्रता होगी ये के कारण वो तो इस तरफ होगी क्योंकि ये नेगेटिव है, सीधा देखना बेटा, इसके कारण तीव्रता किस तरफ है, इस तरफ, तो इसके कारण तीव्रता जो होगी वो किस तरफ होगी, ई बी वेक्टर, इसके कारण तीव्रता इस तरफ होगी सी, सॉरी इसको हमने सी दिया बुक में, सी दे रखा है इसको दिख देकर इसी, और इसके कारण जो तीव्रता होगी वो किस तरफ होगी, ई डी वेक्टर होगा। तो देखो बेटा सुनो मेरी बात को, ज्यादा ये है क्योंकि दो डिस्टेंस पहले तो हम निकाल लेते हैं, चित्र से देखें, चित्र से, चित्र से ए ओ जो है वो किसके बराबर है, बीओ के, बीओ किसके बराबर है, सीओ के, सीओ किसके बराबर है, डीओ के, और पाइथागोरस प्रमेय लगाकर देखें तो ये किसके बराबर आएगी बेटा, एसी बटे 2 के इक्वल। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल लेते हैं, एसी, तो पाइथागोरस प्रमेय से जो एसी है, त्रिभुज कौन सा लेंगे बेटा, त्रिभुज लेंगे ए सी डी में, ए सी डी में एसी जो है वो कितना होगा √2a, तो हमारे पास ए ओ बराबर बी ओ, सर ये तो मान है वो कितना आ जाएगा, ए बट्टे में √2 आ जाएगा। ये चीज हमारे काम की, पहले सभी की कारण तीव्रता निकाल लेंगे, हम कैपिटल क्यू का मान अभी नहीं रखेंगे, कैपिटल क्यू का जो मान है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व होने के बाद रख देंगे, मतलब फाइनल आंसर आएगा उसके अंदर मान रख देंगे, अभी रखने पर हमारी जो गणना है वो जटिल हो सकती है, ठीक है। तो पहले ए के कारण, ए के कारण, ए के कारण मैं लिख देता हूं बेटा ई ए वेक्टर, ई ए वेक्टर जो हमारे पास है वो कितना आ जाएगा, के 2q अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा बट्टे में 2, मैं √2 से लिख देता हूं बेटा, ए बाई √2 का होल स्क्वायर, सोल्व करने में कितना आ जाएगा 4k q अपॉन में कितना आ जाएगा ए स्क्वायर। दिशा लिखनी बेहद जरूरी है, दिशा हमारे पास किस तरह से, ओ ए कैप, ठीक है, बी के कारण, बी के कारण तीव्रता देखी जाए बेटा इस तरफ जाएगी, बी के कारण तीव्रता का परिमाण निकाल ले, तो बी वेक्टर वो आ जाएगा के क्यू ए बाई √2, तो ए स्क्वायर 2, और डिस्टेंस किस तरफ होगी, बी ओ कैप, ठीक है। अब सी के कारण निकाल लेते हैं, इसमें यहां पे सी के कारण, तो सी के कारण तीव्रता जो होगी वो किस तरफ हो जाएगी, सी के कारण तीव्रता जो होगी ईसी, सी पर जो आवेश रखा गया बेटा यहां पर भी 2q है, तो यहां बेटा 4q हो जाएगा, ठीक है, सीधा कर दिया 4q। अब इसके कारण निकालेंगे तो −q, तो तीव्रता इस साइड आएगी, इसके कारण तीव्रता होगी तो के क्यू डिवाइडेड बाई ए बाई √2, ए स्क्वायर बाई √2, तो √2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो 2 आ जाएगा ऊपर, और दिशा हो जाएगी सीओ कैप। अब देखा जाए बेटा डी के कारण, डी के कारण कितना आएगा, ई डी वेक्टर, ई डी वेक्टर कितना आ जाएगा, वापस ही दी जाएगी बेटा इसका, तो इसका तो परिमाण उसके बराबर होगा 2k q, और बता देगा ए स्क्वायर, ये इस तरफ जाए, सॉरी डी की तीव्रता बेटा इस तरफ जाएगी, डी की तीव्रता इस तरफ जाएगी, तो ये किस तरफ हो जाएगा बेटा, डीओ कैप।
देख लेते हमने सही कर ला, माइनस की तीव्रता ये, प्लस की तीव्रता बाहर की ओर, माइनस की तीव्रता अंदर की ओर, ये प्लस की तीव्रता बाहर की ओर। अब बेटा जो एक व्यावहारिक ज्ञान है उसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो ये तो तीव्रता ज्यादा है तो मैं लिख सकता हूँ बेटा इस तरफ कि यहां एक तरफ लिखे तो ई इज ग्रेटर देन क्या है, ईसी। तो देखो बेटा ईसी किसके ग्रेटर देन क्यों लिखा है, ये इसके ग्रेटर देन है क्योंकि दोनों एक ही रेखा के अनुदिश है। तो इसका मतलब जो इधर ज्यादा है तो परिणामी तीव्रता किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। तो परिणामी तीव्रता अगर मैं इसको ई वन मानू तो ई वन कितना होगा बेटा, ईसी माइनस ई ए के इक्वल होगा। इसी प्रकार देखो बेटा कि ये इसको इधर दबा रहा है और ये इसको इधर धक्का दे रहा है, बट मैं कह सकता हूँ ये जो लाइन ज्वाइनिंग है वो कह सकता हूँ इसमें क्या कह रहा है, ई बी ज्यादा है किससे बेटा, ई डी से, क्योंकि ये एक ही लाइन पर कार्यरत है। इसका मतलब इन दोनों का सम जो आएगा बेटा वो इस लाइन के अनुरूप जाएगा और ये जाएगा इस तरफ, ये होगा ई टू। ई टू जो आएगा बेटा किस तरफ होगा, ई बी माइन ई बी माइनस कितना आएगा बेटा, ई डी। ये तो इसका परिमाण है। दिशा जो हमारे पास है ये 90 डिग्री एंगल, अभी वर्ग के जो कौन बनता है 90 डिग्री, तो परिमाण भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम ई वन वाई टू निकाल लेते हैं। तो हम क्या निकालेंगे बेटा, ई वन व ई टू का मान ज्ञात करने पर, कुछ भी नहीं है बेटा, ई वन का मान जो होगा उसको निकाल लो पहले, वो होगा ई ए माइनस ई सी। तो ई ए माइनस ई सी, ई ए का मान बोलना कितना बेटा, 4k³ अपॉन में कितना देगा, ए स्क्वायर। इसी का मन बोलना बेटा हो रहा वो 2k³ अपॉन में कितना होगा, ए सी। तो कितना आएगा, 2k³ ए स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास ई वन। इसी प्रकार ई टू निकाले तो वो किस तरफ है, ई बी माइनस का ई डी। ई बी जो है वो 4 टाइम्स है, ई बी उसका आधा है, तो सीधा घटा के तो कितना आएगा, 2k³ ए स्क्वायर। अब हम क्या निकाल लेंगे बेटा, ई वन व ई टू का परिणामी। तो ई वन व ई टू का परिणामी जो होगा ई नेट, वो कितना होगा, रूट में एफ ई वन का स्क्वायर ई टू का स्क्वायर प्लस 2 ई वन ई टू कॉस 90। 90 का बेटा ये फैक्टर तो 0 हो जाएगा। तो देखो दोनों का मान भी क्या है, शायद समान है। इसका कितना है, 2k³ अपॉन में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2k³ अपॉन में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर का क्या आ रहा है, अंडर रूट। तो कितना आएगा बेटा, 2√2k³ अपॉन में ए स्क्वायर। अब जो परिणामी आएगा वो इस तरफ आएगा, ये परिणामी है ई नेट। बेटा परिणामी की दिशा किस तरफ है, लिख सकता हूँ बी ए कैप, बी से एक ही है। तो ये परिणामी का तो ये तो परिमाण आया है, अगर परिणामी के दिशा से व्यक्त करें तो कितना आएगा, 2√2k³ अपॉन में कितना आएगा, ए स्क्वायर इंटू कितना जाएगा, बी ए कैप। बेटा इसके अंदर सम्मान दे रखे हैं आपको, ए दे रखा है 0.02 मीटर, क्यू दे रखा है आपको, क्यू दे रखा है ना बेटा, और 2×10⁻⁶ कूलम। के का मान आप सबको पता है, 9×10⁹। इन सबको रख के सोलह करोगे आपका जो आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना। ओके, सातवां क्वेश्चन मैंने करवा दिया। वैसे सातवें के बाद जो आठवां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है ए भुजा वाला त्रिभुज दे रखा है, आपको डायग्राम दे रखा है वो के अंदर क्वेश्चन में दिख रहा होगा, क्वेश्चन में डायग्राम ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, सी ये दे रखा है, ए। ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज है वो माइनस क्यू रख रखा है, यहाँ पे जो चार्ज है वो माइनस क्यू है, यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है, 2q+ का। ये डिस्टेंस है ए, डिस्टेंस है डिस्टेंस, ये संभव त्रिभुज है। हमें निकालना बेटा निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। टू फाइंड आउट में क्या निकालना है, निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण। अब निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण जो है बेटा, देखो सुनना, यहां पे जो तो डाइपोल है एक तो ये डाइपोल है, अगर इसका आधा हाफ डिवाइड करें, देखो यहाँ 2q+q, तो q+q में इधर इसको क्यों लिखूं, इधर भी क्यों लिखूं इधर के लिए, तो q देखो इधर वाला तो प्लस q, इधर वाला माइनस q, ये डायपोल, इसको बोल दें इधर वाला माइनस q, इधर वाला प्लस q, तो ये भी क्या बन जाए, डायपोल। तो दो डायपोल यहां पर है, पहला डायपोल इसको मैं p1 मान लेता हूं, इसको मैं क्या मान लेता हूं, p2। तो प्रथम डायपोल, प्रथम द्विध्रुव
द्विध्रुव आघूर्ण वो कितना है बेटा? P1 बराबर एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी, वो कितना है? एक आवेश का परिमाण इंटू दोनों के बीच दूरी a, तो P बराबर कितना आ जाएगा? QA। द्वितीय द्विध्रुव के लिए देखें, द्वितीय द्विध्रुव के लिए, द्वितीय द्विध्रुव के लिए P2 बराबर कितना आएगा? Q इंटू ए, ये भी चार्ज Q है, बीच की डिस्टेंस की 30 की भी ए, ये देखिए अपने। अब हम क्या निकालेंगे बेटा कि P1 व P2 का परिणामी, बट एक सुन लेना बेटा, P1 की दिशा डाइपोल मोमेंट दिशा माइनस Q से प्लस Q और P हो गया, तो ये तो P1 की डायरेक्शन है और ये किस तरफ है? P2 की डायरेक्शन। एंगल उसकी जो कितना बन रहा है? थीटा बराबर 60 डिग्री। तो P नेट डाइपोल मोमेंट होगा निकालना, वो कितना देगा? P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 cos 60 डिग्री। 60 क्यों है बेटा? समबाहु त्रिभुज में ये भी कितना होता है? प्रत्येक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। अब P1 P2 के बराबर है देखा जाए तो बेटा, P1 वेक्टर का जो मोड है वो P2 वेक्टर के मोड के क्या बराबर है? इसको मैंने कितना मान लिया, एक बार के लिए P मान लेते हैं, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, P स्क्वायर प्लस 2 P स्क्वायर cos 60 का मतलब कितना होता है? 1/2 कट गए इससे, तो कितना आएगा? √3P ओनली, तो √3 और P कितना है? Q इंटू ए, ये सिस्टम का टोटल डाइपोल मोमेंट आ चुका। छठा क्वेश्चन जो हमारे पास, सॉरी आठवां क्वेश्चन हो गया ना हमारे, नवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो देखो क्या कह रहा है। तो समान छोटी गेंदें दे रखी है जिनका प्रत्येक का द्रव्यमान m है, तो हमें क्या दे रखा है? समान छोटी गेंदें, समान छोटी गेंदें द्रव्यमान दे रखा है एम, आवेश दे रखा है इस पर क्यू, सिल्क के धागे से जितना अनुसार लटकाई गई है, धागे की लंबाई जो है वो दे रखी है, धागे की लंबाई वो दे रखी है एल, और बीच के मध्य का कोण जो है वो 2 थीटा बराबर दे रखा है 10 डिग्री, और दोनों के बीच की दूरी, दोनों के मध्य की दूरी वो दे रखी है x। तो टू फाइंड आउट में बेटा x का मान ही निकालना है, हमें क्या निकालना है? टू फाइंड आउट x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? देखते हैं इसको, क्यू चार्ज है इस पर भी, क्यू चार्ज है, डिस्टेंस की लंबाई इसकी सेम है, यहां से इसके बीच की डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है एक्स, और ये एंगल थीटा दे रखा है, ये भी दे रखा है थीटा। इधर जो बल लगेगा वो कूलम्बिक बल है, इधर लगेगा भार बल एम जी, तनाव बल टी, और अगर इसको परपेंडिकुलर डोगे तो थीटा ये देगा। हम क्या करेंगे? तनाव बल को घटकों में विभाजित करेंगे, तनाव बल घटकों में विभाजित करने पर ये घटक कितना होगा? टी कोस थीटा, और ये कितना देगा बेटा? टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, इधर वाला घटक टी कोस थीटा। संतुलन की स्थिति भी देखा बेटा, संतुलन की स्थिति में वो कितना होगा बेटा? टी कोस टी साइन थीटा वाला घटक तो कूलम्बिक बल को संतुलित करेगा, एफ कूलम्बिक जो कितना है? के क्यू स्क्वायर बीच की डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। अब टी साइन थीटा, सॉरी टी कोस थीटा जो है वो इसकी क्या कर रहा है? भार बल को संतुलित कर रहा है एमजी को। इक्वेशन दे दी फर्स्ट, इक्वेशन दे दी सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड द इक्वेशन सेकंड, तो बेटा भाग देने पर टी से टी कैंसिल आउट देगा, साइन थीटा बेटा कोस थीटा होगा वो 10 थीटा हो जाएगा। इधर देखा जाए तो के क्यू स्क्वायर आर एक्स स्क्वायर बटे कितना देगा? एम जी। यहां से मैं क्या निकालू बेटा? एक्स स्क्वायर निकालू तो कितना आएगा? के क्यू स्क्वायर एम जी 10 थीटा।
अब एक बात सुनना बेटा, यदि थीटा अतिअल्प है, यदि थीटा अतिअल्प है, अतिअल्प कितना बेटा, यहाँ थीटा 5 डिग्री है, बहुत छोटा है। अब ये कहोगे सर जी 5 डिग्री छोटा कैसे, रेडियन में लेने पर ये मान बहुत छोटा आता है, ठीक है। अब ये जो होगा थीटा किसके बराबर देगा, टेन थीटा, थीटा के बराबर, थीटा किसके बराबर होता है, चाप की लंबाई बट्टे में कितना होगा त्रिज्या, चाप की लंबाई इसकी कितनी बेटा, एक्स बट्टा दो, आधा बन रहा है इसका चाप यहां तक, एक्स बट्टे दो, लंबाई त्रिज्या कितनी है एल, ये भी माध्यम में लगभग एल ही होगा, एल विस्थापन तो बता देगा एक्स बट्टे में 2L। तो यहाँ पर देखो टेन थीटा की जगह हम थीटा रख दिया, थीटा की जगह हमारे पास कितना आएगा ये, तो के क्यू स्क्वायर और एक्स एम जी और 2L कैसे लगाएगा बेटा ऊपर। अब x इधर ले लिया तो x की क्यूब जो आएगी हमारे पास वो कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर 2L एम जी। अब इसका घनमूल ले ले तो x को कितना आ जाएगा हमारे पास, के क्यू स्क्वायर 2L एम जी की पावर 1/3। ठीक है, ये हमारे उसके अंदर हम पहले टॉपिक पढ़ेंगे, अति लघुरात्मक प्रश्न, छोटे क्वेश्चन आपके बुक में दे रखे हैं वो पढ़ लेते हैं, कुल 20 क्वेश्चन है, पहले 10 सीरीज करते हैं उसके बाद 10 सीरीज करते हैं। देखो क्वेश्चन आपको 1 से लेकर 10 तक यहाँ दिखी है, पहला क्वेश्चन जो है वो मैं देख कर उसका सीधा आंसर बता दूंगा क्या होगा आंसर फर्स्ट का। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक क्वांटम पर आवेश कितना होता है, तो एक क्वांटम पर आवेश मतलब एक क्वांटम जो होता है q बराबर n e के बराबर, और बात कर रहे हैं एक क्वांटम तो मतलब n बराबर कितना है 1, तो q बराबर कितना हो जाएगा e के, e पर विचार होता है कितना होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, ये क्वांटम पर आवेश होता है। दूसरा क्वेश्चन देखो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ दे रखा है कि r दूरी पर स्थित दो प्रोटोनों के मध्य स्थिर विद्युत बल एफ है, यदि प्रोटोन को हटाकर इलेक्ट्रॉन रख दिया जाए तो बल कितना होगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको आपके डीपीपी में करवा दिया, डीपीपी में भेज दिया, उस डीपीपी को सॉल्व करो और उसकी आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजो, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप जल्दी उस कमेंट बॉक्स में आंसर भेजोगे, ठीक है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एक आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला बल, एक आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला बल जो है वो हमारे पास एफ दे रखा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देखो क्या दे रखा है, एक आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर लगाया गया बल का मान दे रखा है एफ, एक अन्य आवेश की उपस्थिति में प्रथम आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर कितना बल लगेगा, देखना सुनो, सपोज करो एक Q1 आवेश ले लिया, ये Q2 आवेश ले लिया, अब ये इससे जो Q2 जो बल लगा रहा है इस पर वो F लगा रहा है, ठीक है। अब एक तीसरा आवेश है ये Q3 चार्ज है, अगर ये यहां पड़ा है तो इसकी उपस्थिति में ये Q2 आवेश जो है वो Q1 पर कितना बल लगाएगा, तो मुझे पता है कि Q3 आवेश की उपस्थिति में, Q3 आवेश की उपस्थिति में, उपस्थिति में Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल जो है वह F ही रहेगा, क्योंकि वह दूसरे आवेश की उपस्थिति पर यह डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या कह रहा है, यदि किसी माध्यम की निरपेक्ष, यदि किसी माध्यम का परावैद्युतांक 1 है तो उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी, इसका मतलब है गिवन में क्या दे रखा है, किसी मीडियम दे रखा है, उस मीडियम का एप्सिलॉन आर जो है वो कितना दे रखा है 1, टू फाइंड आउट हमें उस माध्यम का एप्सिलॉन निकालना है, चूंकि हम जानते हैं कि निरपेक्ष विद्युतशीलता, सॉरी परावैद्युतांक होता है वो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है, अतः किसी माध्यम की विद्युतशीलता जो होगी वो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इस माध्यम के लिए कितना है 1, तो एप्सिलॉन नॉट ये जो होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट मतलब 8.85×10⁻¹⁻¹¹ ये आ जाएगा हमारे पास, इसका मात्रक जो होगा वो कितना आ जाएगा कूलम स्क्वायर बटे में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखा जाए पांचवा छठा क्वेश्चन सेम टाइप के, मैंने आपको डीपीपी में ये भी क्वेश्चन दिए हैं, आपको आपने आंसर भी दिए किसी बच्चों ने, बहुत बढ़िया। ये कह रहा है Q1 और Q2 दो बिंदु और आवेश दे रखे, इनका गुणनफल 1 से कम है, देखना Q1 में क्या दे रखा है Q1 व Q2 आवेश दे रखे एवं इनका जो गुणनफल है वो क्या है 0 से कम है, तो बल की प्रकृति बतानी, टू फाइंड आउट हमें क्या बतानी है
बल्कि प्रकृति, बल्कि प्रकृति। तो बल्कि प्रकृति के आगे देखो, अगर मैं कह देता हूं यहां पर एक से कम होने का मतलब यहां यह है कि, तो दोनों का गुणनफल जीरो से कम होने का मतलब क्या है कि यहां पर एक आवेश तो क्या है नेगेटिव हो सकता है, एक आवेश पॉजिटिव है और दूसरा आवेश क्या है नेगेटिव। उसी स्थिति में क्या हो सकता है, इसका तो गुणनफल है वो जीरो से क्या हो सकता है कम हो सकता है, अर्थात एक प्लस का और दूसरा माइनस का होने पर उनके बीच में कौन सा बल लगता है, आपको पता होगा डियर स्टूडेंट आकर्षण बल लगता है। तो इनके मध्य जो बल कार्यरत होगा वो कौन सा होगा, आकर्षण बल होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो छठा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर सिक्स, उसका आंसर देखते हैं। सेम यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या कह रहा है, वापस दे रखे गिवन में क्यू वन क्यू टू चार्ज दे रखे, क्यू वन व क्यू टू आवेश दे रखे एवं इनका गुणनफल जो है वो क्या है जीरो से बड़ा है, तो बल कौन सा होगा। मैं क्या निकालना, टू फाइंड आउट, वापस वही चीज निकालनी, टू फाइंड आउट हमें निकालना बल की प्रकृति, बल की प्रकृति। तो बेटा सुनने एक मिनट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार के लिए Q1 है ये Q2 है, हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है कि Q1 Q2 इज ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। वो कब आ सकता है, अगर Q1 भी प्लस का और Q2 भी प्लस का हो तो एक केस के अंदर ये जीरो से बड़ा सकता है, क्योंकि इनका गुणा होगा तो बड़ा हो जाएगा। अगर ये माइनस का है तो ये भी किसको आना चाहिए माइनस, क्योंकि माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा जीरो से बड़ा आएगा। देखो दोनों समान आवेश, या तो प्लस प्लस हो या क्या हो माइनस माइनस, तो समान प्रकृति का आवेश के बीच में कौन सा बल लगता है प्रतिकर्षण, तो यहाँ कौन सा बल कार्यरत होगा प्रतिकर्षण बल कार्यरत होगा। मैं क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र E में क्यू आवेश रखा गया है तो उस पर कार्यरत बल कितना होगा, तो गिवन में क्या दे रखा है विद्युत क्षेत्र E दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज Q दे रखा है, चार्ज Q दे रखा है और टू फाइंड आउट हमें क्या निकालना है, टू फाइंड आउट हमें निकालना है कार्यरत बल ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कार्यरत बल कितना होता है, बराबर Q इनटू कितना होता है E, और सदिश रूप में व्यक्त करते हैं वेक्टर बराबर कितना होगा वेक्टर इनटू कितना होगा E वेक्टर होगा। ठीक है, आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि आठवां क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, आप देख सकते हो डीपीपी में दिया है, आपने आंसर भी दिए क्षेत्र के बारे में, तो मैं सोचता हूँ आठवां क्वेश्चन आपको आता होगा। नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा जो एक इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित रखेगा, दिया गया हमारे पास ये, ठीक है, तो दिया गया चीज जो है हमें देने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का आवेश दे रखा है वो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और द्रव्यमान जो दे रखा है हमारे पास वो कितना दे रखा है 9.1 × 10⁻³¹ kg, ये हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमें क्या निकालना है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, टू फाइंड आउट हमें निकालना है, में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, परिमाण ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले डायग्राम को बनाते हैं, डायग्राम में क्या कहता है इलेक्ट्रॉन को संतुलित रखना है, इलेक्ट्रॉन को संतुलित रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा। नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव चार्ज युक्त है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा, प्लस ऊपर होगा तो उसको क्या करेगा आकर्षित करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दिशा इस तरह से ड्यू टू वेट फोर्स इलेक्ट्रॉन का होगा वो कितना लगता है mg, और ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो कितना होगा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो कितना होगा q इंटू e। तो e इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो उसको क्या करेगा भार बल को संतुलित करेगा, और यहाँ पे जो e का मान आप निकाले तो e बराबर कितना होगा mEg अपॉन में कितना होगा q ऑफ e, तो कितना रहेगा देखने डी स्टूडेंट me 9.1 × 10⁻³¹ kg, g का मान 10 और q का मान कितना है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। सोल्व कर दे इसको, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। अब आठवां क्वेश्चन हमने कर लिया, आठवें एक बार देखते हैं नवा क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन नंबर नौ है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर नाइन था बेटा, एट नंबर क्वेश्चन आपको डीपीपी में दे रखा था। क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर टेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लेवल से थोड़ा अच्छा टॉपिक है और ज्ञानो उपयोगी क्वेश्चन में आ सकता है ये क्वेश्चन। ये कहता है कि निर्वात में दो आवेशों के बीच में बल कार्यरत, सपोज करो ये वैक्यूम में एक क्यू1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है R, और इसके बीच में कार्यरत बल जो है गिवन दे रखा है कार्यरत बल, वो बल कितना है इसमें F न्यूटन है। अब ये कह रहा है यदि इन दोनों के बीच में हमने क्या रख दी, एक पीतल की प्लेट रख दी, ये कह रहा है इन आवेशों के बीच में पीतल की प्लेट रख दी जाए तो तब बल का मान क्या होगा, तो हमने इस आवेशों के बीच में क्या रख दिया एक धातु की प्लेट, ये हमारे पास कौन सी पीतल धातु की
धातु होती है तुम्हारे पास, ये कौन सी है, धात्विक प्लेट रख दी, धात्विक प्लेट। और डियर स्टूडेंट आप जानते हो धात्विक प्लेट जो होती है उसका जो परावैद्युतांक होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट। तो हमारे पास मीडियम में जो फोर्स लगता है वो वैक्यूम अपॉन में कितना होता है हमारे पास, एप्सिलॉन आर। तो वैक्यूम में लगने वाला फोर्स अपॉन में ये कितना होगा, इनफाइनाइट, देन एफ बराबर कितना होगा, जीरो न्यूटन हो जाएगा।